हेलो दोस्तों, आभार महादेव। हम 7-8 किलोमीटर चल के आए हैं, अभी और 15 किलोमीटर और चलना है। अभी लगभग 8 बजा है, सुबह 5 बजे हम लोग चले थे। 3-4 बजे तक और चलना है, तो दिखाता हूँ। जाते हैं बाबा, यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। पहले साल इतना नहीं होता था, पहले अभी जो है सो ज़्यादा ही है, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है। 2 साल लॉकडाउन के चक्कर वजह से नहीं जा पा रहे थे ना, लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पा रहे थे, इसलिए इस साल भीड़ ज़्यादा है। सब छूटे हुए कंटिन्यू जा रहे हैं इस बारे में। 2 साल तो लॉकडाउन ही नहीं जीने जाने दिया। हम लोग अभी 110 किलोमीटर 70 किलोमीटर और बाकी है चलना, 110 में 70 बाकी है। ये रूट में किलोमीटर नहीं होता, किलोमीटर होता है। किलोमीटर बोले तो उसका 1.5 किलोमीटर का 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर चलेंगे तो 1 किलोमीटर इस रास्ते का रूट ही ऐसा, रास्ते का रूट ही ऐसा ही बनाया हुआ है। हाँ, हर महादेव। यहाँ पे रेती डाला है ना, इसके वजह से और परेशानी थोड़ा कम होता है। पहले तो बड़े बड़े पत्थर चुभते थे इस रास्ते में, अभी थोड़ा रेती डाल दिया है, मिट्टी तो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा चलना मुश्किल होता है सबके लिए। तो देखेंगे, इधर जितना भी देखिए रहने के लिए कभी कभी ऐसा ही मिल जाता है, तो कभी कभी पेड़ के नीचे भी सोना पड़ता है। देख रहे हैं भोला भोला शरीर है, तो बाकी का दिखाएंगे आपको। अरे कोई नदी वदी बीच में आया, तो अभी हम लोग जिलेबिया मोड़ से चढ़ेंगे। पहाड़ पे चढ़ाई है, काफ़ी कठिन चढ़ाई है, जैसे जिलेबी होता है वैसे शाम तक उसको हम लोग क्रॉस करते हैं। जिलेबी मोड़ को शाम तक क्रॉस कर जाएंगे, या जल्दी चलेंगे तो 3-4 बजे तक तो हो ही जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं वो कामर जो दंड बैठ कर रहे हैं, वो कामर रखेंगे या उठाएंगे, दोनों में से रखने के टाइम में दादी माँ की उम्र इतनी है, चल रहे हैं हम लोग, जवान हैं फिर भी चला नहीं जाता।
ये सब भोलेनाथ की कृपा है। अब कौन चलेगा, पहुंचते सभी हैं, जो कमज़ोर हैं वो भी, जो फास्ट है वो भी। अब लोगों को दिखाएंगे नेक्स्ट। घर जब तोप करते हैं तो देखिए खाना पर, कुछ भी खाएंगे तो खोल के खाना पड़ता है। हर चीज़ खोल, कपड़ा खोल के ही खाना पड़ता है, चाहे आप मेरा काम और ये है। इसमें देखिए जल है, जल इसमें रहता है, इसमें गंगा जल, कपड़े वपड़े डेली का जो होता है तो पानी पीने के लिए, और ये होता है सिद्धि करने के लिए। टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो के लिए, क्योंकि चलना भी पड़ता है, अच्छा भी नहीं लगता है, कहाँ से कांवर पकड़ो। कि हमारे यहाँ बैठे थे बाबा लोग, उठ गए, अभी तो लंबा सफर बाकी है। ठीक है दोस्तों, बाद में बात करेंगे, जाना जरूर है। मैं अकेला ही हूँ आज, चलने के लिए सब बार बार रुकते हैं, उनसे नहीं होता है, या तो चलते रहेंगे कंटिन्यू, या तो फिर थोड़ा रुकेंगे। में इतना धूल, धूल बहुत काफ़ी निकलता है यार। ठीक है दोस्तों, के आप लोग अपना ख्याल रखिए, हम लोग बाबा को तालाब ले जाएंगे, जितना जल्दी उतना जल्दी जाएंगे। हर महादेव।